सिंगल करेक्ट आंसर टाइप 23। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो डेट द रे विच एंटर द स्फीयर डज नॉट कम आउट ऑफ द स्फीयर। कि प्रकाश नु किरण दिस इज द परपेन्डिकुलर प्रकाश नु किरण अहीं आपात थाय छे कई कोणे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 3/2 तो क्या कोणे आपात थाय के जेथी ए बाहर न निकले दिस इज थीटा सी दिस इज ऑल्सो थीटा सी बाहर न निकले एना माटे आपणने खबर छे के 90 सी ग्रेटर देन सॉरी दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नाउ इन दिस केस के साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ 1/μ इक्वल टू 3/2 तो 2/3। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स नो 1 sin i इक्वल टू म्यू साइन थीटा सी साइन i म्यू साइन थीटा सी 1/μ ऑल्सो म्यू कैंसल साइन i इक्वल टू 1 देखो i इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर इज सी। सिंगल करेक्ट आंसर टाइप 29। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज हाफ इट्स वेलोसिटी इन एयर तो वी मीडियम इक्वल टू c/2। इफ अ रे ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम सम मीडियम इन टू एयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इट विल बी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड। क्या एंगल हूँ इंसिडेंट करू कि जेथी रिफ्लेक्ट थे टोटली तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं साइन आई इक्वल टू 1/μ 1/μ देरफोर म्यू इक्वल टू c/v बट v इक्वल टू c/2 c कैंसिल 1/2 नपो i इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट द क्रिटिकल एंगल फॉर अ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम x इंटू y इज थीटा देयरफॉर साइन थीटा थीटा इज क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ जे मीडियम में थी बीजा मीडियम में जतो मीन्स के क्रिटिकल एंगल x इज बिलो डेंसर मीडियम एंड y इज एबो हेयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम x इज v नाउ हियर μy इक्वल टू c/vy μx इक्वल टू c/vx सी कैंसल vx/vy मीडियम x पर वेलोसिटी छे v अपॉन vy नाउ देयरफॉर vy इक्वल टू v/sin थीटा means the speed of light in medium x is v the speed of light in medium y is v/sin थीटा।